चैट बॉक्स में मैंने अमृता विश्वविद्यापीठ वाला वर्चुअल लैब का लिंक भी शेयर कर दिया है ना, और न्यूटन स्विंग का मैनुअल भी शेयर कर दिया है। तो पहले जो है पीपीटी से इसको समझ लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद वर्चुअल लैब में कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो न्यूटन स्विंग है। तो आज क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। तो टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय न्यूटन स्विंग मैथड। तो न्यूटन स्विंग मैथड से हमें मोनोक्रोमेटिक सोर्स का वेवलेंथ फाइंड करना है। तो थ्योरी क्या है, देन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब जिसमें एक साइड प्लेन होता है, एक साइड से कर्व सरफेस होता है, ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेस्ड होता है। देन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड ऑन प्लेन ग्लास प्लेट। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक एयर फिल्म फॉर्म हो जाएगी, ये आपको दिख भी रहा होगा। इसको मैं फिलहाल शेडेड कर देती हूँ, येलो से कर देती हूँ। तो क्या हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू कर्व सरफेस की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें शेडेड एरिया जो मैं दिखा रही हूँ इसमें एयर फिल्म फॉर्म हो गई है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पे थिकनेस उस एयर फिल्म की 0 है, वहां पे कोई एयर फिल्म नहीं है। जैसे जैसे उससे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एयर फिल्म फॉर्म हो रही है, जिसकी शेप जो है, अभी शेप्स आपने पढ़ी नहीं है, थिनपन पढ़ी नहीं है, लेकिन दिख रहा है कि ये यूनिफॉर्म थिकनेस की नहीं है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं वहां पर थिकनेस 0 है, जैसे जैसे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से दूर जा रहे हैं वैसे थिकनेस इंक्रीज हो रही है। तो उसको हम वैज शेप्ड फिल्म बोलते हैं। तो न्यूटन्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब इस तरीके के सिस्टम पे नॉर्मली लाइट इंसिडेंट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो कुछ पार्ट यहाँ से अपर सरफेस ऑफ एयर फिल्म कह लीजिए, या कह लीजिए लोअर सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, या ऐसे बोलेंगे दूसरी रे के लिए कि अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट, या क्या है लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। व्हेन लाइट फॉल नॉर्मली ऑन दिस सिस्टम इट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म एंड लोअर सरफेस ऑफ द एयर फिल्म, और आपस में सुपर इम्पोज करेगी, और इसके अंदर हमें क्या होगा, सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे जाएंगी, या कह लीजिए हमें इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा माइक्रोस्कोप से। इस तरीके से रिंग्स दिखेंगी। हमें सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारा न्यूटन्स ने किया, इसलिए इसको न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, या न्यूटन्स रिंग कहते हैं। ठीक है, तो एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। व्हेन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विद दिस कॉन्वेक्स सरफेस इज प्लेस्ड ऑन प्लेन ग्लास प्लेट एंड एयर फिल्म ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग थिकनेस इज फॉर्म बिटवीन टू, इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउड टू फॉल नॉर्मली एंड व्यूड एज शोन इन फिगर, देन अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व, दीज रिंग्स आर नोन एज न्यूटन्स रिंग। न्यूटन्स रिंग आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस बिटवीन प्लेट्स, बाय मेजरिंग द डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हम इसका डायमीटर कैलकुलेट कर ले रिंग्स का, तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अभी तो आप पढ़ लीजिए, ये हम ड्राइव करेंगे जब हम इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n λ r होता है, और n प्लस पी मिलेंगे तो n की जगह n प्लस पी रिप्लेस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारा लैमडा आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4 pr, जहाँ पे पी एक प्राइम नंबर या हम रैंडम इंटीजर ले लेते हैं दो रिंग्स के बीच का सेपरेशन। कंसेक्यूटिव रिंग्स के बीच का लेंगे तो P1 ले लेंगे, बीच में एक स्किप कर देंगे 2 का तो P2 ले लेंगे, 3 का स्किप करेंगे तो 3 ले लेंगे, वो हमारे ऊपर चॉइस है, तो वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे लेंगे। ठीक है, तो लैम्डा का हमारा एक फॉर्मूला आ गया, इस फॉर्मूले के थ्रू हमें लैम्डा कैलकुलेट करना है, जो कि है डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 pr। रिंग्स का डायमीटर कैसे लेते हैं, देखिए रिंग्स ऐसे दिखेंगी आपको, जब अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वर्चुअल लैब में तो आप देखेंगे, आपको रिंग्स दिखेंगी, इसमें क्रॉस वायर होगा, तो हमें डायमीटर कैलकुलेट करना है। सपोज मुझे, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं लेंथ या डिस्टेंस, टू पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस उसका लेंथ हो जाता है, तो हमें क्या करना है, डायमीटर करना है। तो पहले क्रॉस वायर को इस साइड फिक्स करेंगे, यहाँ पे वैल्यू नोट कर लेंगे, फिर क्रॉस वायर को इस साइड फिक्स करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी इन दोनों के। सपोज मैं इनको ए और बी लिख देती हूँ, फिलहाल आपके पास ए और बी आ जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस फर्स्ट रिंग का डायमीटर हो जाएगा,
ऐसे ही आप सेकेंड रिंग का डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ये पोजीशन नोट की, सपोज ये सी थी, ये वाली पोजीशन नोट की ये डी थी, तो सी माइनस डी जो है आपका सेकेंड रिंग का डायमीटर आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको टोटल एन रिंग्स का डायमीटर कैलकुलेट करना है, 10 रिंग्स का, एटलीस्ट 10 रिंग्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में वन वन रिंग इंक्रीज करते जाएंगे, पहले फर्स्ट रिंग लेंगे, फिर सेकेंड रिंग लेंगे, फिर थर्ड लेंगे, फोर्थ लेंगे, तो ऐसे करके 10 रिंग तक जाएंगे। ऐसे ही राइट साइड में फर्स्ट रिंग का लेंगे, सेकेंड रिंग लेंगे, थर्ड रिंग लेंगे, टोटल करके 10 रिंग्स तक जाएंगे। और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका डायमीटर आ जाएगा, वो ऑब्जर्वेशन टेबल से भी हम देखेंगे। यहाँ पर भी आपको दो स्केल दिखाई देंगे, अभी जब हम लैब में होंगे तो आप देखोगे, आपको दो स्केल दिखाई देंगे, एक पे VS लिखा है, एक हमारा मेन स्केल है। तो मेन स्केल की रीडिंग्स पढ़नी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स पढ़नी है। कैसे पढ़नी है, जब अभी एक्सपेरिमेंट लेंगे फिर इसको देखेंगे, ठीक है, तभी देख लेंगे, इसको अभी नहीं समझा सकती हूँ, तभी समझेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल जो मैंने आपको मैनुअल शेयर किया है, उसमें जो ऑब्जर्वेशन टेबल है वो नहीं फॉर्म करिएगा, वो नहीं बनाइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनना है। उसमें क्या दिक्कत है, उसमें सिर्फ लेफ्ट साइड में आपको एक ही कॉलम दे रखा है, जबकि यहाँ पे हमें 3 कॉलम बनाने हैं। ऐसे ही राइट साइड में 3 कॉलम बनाने हैं, वहां पे एक एक कॉलम दे रखा है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में मेन स्केल, वर्नियर स्केल, फिर इन दोनों का एडिशन, टोटल रीडिंग। ऐसे ही राइट साइड में मेन स्केल, वर्नियर स्केल, टोटल, और यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स है कि फर्स्ट रिंग का रीडिंग ले रहे हैं कि सेकेंड रिंग्स का रीडिंग ले रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार मैनुअल शो कर देती हूँ, फिर वर्चुअल लैब पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए मैनुअल भेजा है, इस पे एक्सपेरिमेंट नंबर 3 लिखा है, लेकिन ये आपके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा, है ना, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव लिखिएगा, फिर एपरेटस रिक्वायर्ड, सोडियम लैम्प, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन ग्लास प्लेट, ऑप्टिकल अरेंजमेंट फॉर न्यूटन रिंग, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस, जो कि अभी तो हमें जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि हम वर्चुअल लैब में कर रहे हैं, बट जब हम एक्चुअल लैब में करते हैं तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस की भी जरूरत पड़ती है ना, रीडिंग देखने के लिए। फिर थ्योरी एंड फॉर्मूला है, ये आपको पूरा लिखना है। तो यहाँ पे लैम्डा का ही फॉर्मूला आ जाएगा, dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे आपकी इच्छा है कि किस चॉइस का लें, लैब में तो फिक्स है कि हम किस रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, बट यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो प्रोसीजर नहीं लिखेंगे, फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप है, डायग्राम आप जो आपका अनरूल्ड पेपर है उस पर बनाएंगे, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल है आपकी, ऑब्जर्वेशन टेबल आप रूल्ड या अनरूल्ड जिस पे आप बनाना चाहें, जो आपका पेज कंटिन्यूएशन में चल रहा हो उस पे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाली टेबल नहीं बननी है, इसमें मैंने आपको बता दिया, यहाँ लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही कॉलम दे रखा है, जबकि हमें 3-3 कॉलम बनाने हैं, लेफ्ट साइड में भी और एंड राइट एंड में भी, है ना, 3 कॉलम चाहिए, वनियर स्केल, मेन स्केल, मतलब मेन स्केल, वनियर स्केल और टोटल। फिर डायमीटर है, फिर डी स्क्वायर सेंटीमीटर में है, फिर डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर है। ये रीडिंग कैसे करते हैं, ये जब हम एक्चुअल में रीडिंग लेंगे तब समझ में आएगा। फिर कैलकुलेशन है, लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन 4pr। फिर रिजल्ट और एरर, प्रिकॉशन लिखेंगे, वाइवा के क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा, लेकिन लिखने नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको वर्चुअल लैब में करते हैं प्रैक्टिकल को। तो मैंने लिंक दिया है, आप जब उसको क्लिक करोगे तो आपको ये लैब दिखाई देगी, वर्चुअल लैब, अमृता लैब, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप क्या करेंगे, फिजिकल साइंस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे। लास्ट टाइम हमने वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किया था, आज हम ऑप्टिक्स का कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, इस पे लेजर एंड ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब, और इसमें भी हम कर रहे हैं न्यूटन रिंग, वेव लेंथ ऑफ लाइट। न्यूटन रिंग की आप यहाँ देखोगे 2 एक्सपेरिमेंट है ना, लेकिन हम कौन सा वाला कर रहे हैं आज, वेव लेंथ ऑफ लाइट। आप चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला भी कर सकते हैं, लैब में हम नहीं कराते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि फिर वो पूरा सेटअप बाहर निकालना पड़ता है अगर हम किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वर्चुअल लैब में तो हम कर ही सकते हैं कि किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं हम न्यूटन रिंग से। फिर न्यूटन रिंग वेव लेंथ ऑफ लाइट पे आप क्लिक करिएगा, तो सेम वही जैसा वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में आपका प्रैक्टिकल खुल जाएगा। यहाँ पे शुरू में आपको पूरी थ्योरी समझा रखी है थिन फिल्म वगैरह की, जो कि मैं अभी नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ेंगे इसको थ्योरी में। फिर प्रोसीजर है,
एवल्यूशन है, स्टिमुलेटर, हमें प्रैक्टिकल करने के लिए स्टिमुलेटर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्टिमुलेटर पे क्लिक करेंगे वो लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन कर लीजिएगा। मैं गूगल के थ्रू लॉगिन करती हूँ, आप जो भी चॉइस करना चाहें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो वापस उसी पेज पे आ जाता है अब, लेकिन प्रैक्टिकल खुल जाएगा स्टिमुलेटर वाला। तो अब यहाँ पे आपको इस तरीके की विंडो दिखेगी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट दिख रहा है लेकिन ये अभी हम नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसको फुल विंडो पे नहीं करते। तो यहाँ साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे क्लिक करिएगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फुल विंडो में आ जाएगा, फुल स्क्रीन में। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले करने के लिए कौन से मीडियम में करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ वेव लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम एयर ही चूज कर रहे हैं। वरना हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना होता तो वाटर, एसीटोन, एल्कोहल, क्रूसॉन, कुछ भी यूज कर सकते थे। अभी फिलहाल हम एयर ही ले रहे हैं। फिर लाइट सोर्स, लैब में तो आपके पास एक ही चॉइस है जो एक्चुअल लैब होती है ऑफलाइन वाली, कि आपको सोडियम लैम्प पे मिलेगा। बट यहाँ पे आपको चॉइसेस मिल रही हैं लैम्प चेंज करने की भी, सोडियम लैम्प यूज करना है, नियॉन करना है, ग्रीन लाइट यूज करना है कि रेड लाइट करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे रिंग्स हैं वो चेंज होंगी, वो आप करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, मैंने फिलहाल सोडियम लैम्प लिया। फिर यहाँ पर आप लाइट ऑन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रिंग्स दिख जाएंगी। फिर ये यहाँ पे रेडियस ऑफ लेंस, मैंने क्या कहा कि लैब में तो हम आपको फिक्स है कि इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेंस दे रहे हैं जो प्लेनो कॉन्वेक्स, बट चॉइस है आपके पास कि आप इसको मूव कर सकते हैं कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करना है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर हम चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे रिंग्स का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो रहा है, और जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है उतना ही रिंग्स पास पास हो रही है, तो डायमीटर कम हो रहा है, और है ना। फिर मैं तो फिलहाल 50 पे ही रख रही हूँ। देखिए लैम्प में चेंज करके भी दिखा देती हूँ, सोडियम लैम्प पे येलो दिख रहा था, अभी थोड़ा नियॉन पे थोड़ा ग्रीनिश दिख रहा है, ग्रीन पे पूरा ग्रीन लाइट दिख रहा है, और रेड पे रिंग्स रेड दिख रही हैं। ठीक है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, जो सोर्स लेंगे उसी अकॉर्डिंग आपका लैम्डा चेंज हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई रेड लाइट पे करो, कोई सोडियम लैम्प के लिए करो, कोई नियॉन के लिए करो, सब सेम नहीं करो, सब अलग अलग करो। फिर सोडियम लैम्प पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और फिर क्या करना है, ये माइक्रोस्कोप की पोजीशन है तो इसको एरो की, जो एरो की है उससे मूव करिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए सेंटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटर की तो रीडिंग हमें नोट करनी नहीं। एक बार हम इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो फर्स्ट रिंग के एंड पे, फिर सेकंड रिंग के एंड पे, फिर थर्ड रिंग के एंड पे, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही करके हम टेंथ रिंग तक लेंगे। और आप आगे जाके देख भी रहे हो कि जो रिंग्स हैं बहुत क्लोजर होती जा रही हैं, तो फिर आगे जाके हम रिंग्स की जो वैल्यूज है उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा अगर हम इनका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत क्लोजली आ रही है एक दूसरे के पास। तो टेंथ रिंग तक लीजिएगा, ऐसे हमें लेफ्ट के साथ हमें राइट साइड जाना है। यहाँ पे भी क्या करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे, राइट साइड क्रॉस वायर आपको इसमें दिख रहा होगा, एक क्रॉस वायर है उसको फिक्स करते जाना है जिस रिंग की आपको डायमीटर कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो टेंथ तक रखना है, मतलब आगे जाके तो सिर्फ आपको एक ही बार एरो की दबाना है तो आप उस रिंग पे शिफ्ट कर जाते हैं। फिर सेंटर पे आती हूँ मैं फिलहाल, माइक्रोस्कोप को देखिए, माइक्रोस्कोप को मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं क्लियरिटी में अंतर होगा, है ना। आपको जहां क्लियर दिख रहा है आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग आप उसको वहां फिक्स कर दीजिएगा। मुझे यहाँ दिख रहा है तो फिलहाल मैं यही ले रही हूँ, 7.5 पे क्लियर दिख रहा है, धुंधला हो गया, 7 के अराउंड मुझे क्लियर दिख रहा है, तो मैं फिलहाल 7 पे इसको फिक्स कर रही हूँ। अब रीडिंग कैसे लेंगे, ठीक है, तो मैं आपको दो रीडिंग लेके दिखाऊंगी, दो रीडिंग, एक लेफ्ट साइड की और एक राइट साइड की फर्स्ट रिंग के लिए। ठीक है, फिर आप जो है करिएगा, मैं फर्स्ट रिंग की रीडिंग लेके दिखा रही हूँ, एक आपको लेफ्ट साइड की दिखाऊंगी और एक राइट साइड की दिखाऊंगी, बल्कि एक नहीं दो रीडिंग लेके दिखाऊंगी, फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग की लेफ्ट साइड, फर्स्ट रिंग और सेकंड रिंग की राइट साइड, मेन स्केल कैसे पढ़ेंगे
वर्नियर स्केल कैसे पढ़ेंगे और टोटल रीडिंग कैसी होगी। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड मूव करना स्टार्ट किया। तो लेफ्ट साइड मूव किया, अब हमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग पढ़नी है। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, एक बार मैं सारा इसको पूरा लेके चल रही हूँ आपको लास्ट तक। देखिए इधर क्या हो रहा है, नीचे वाला स्केल हमारा मेन स्केल है, तो ये 2 है 3 है और 4 है। ठीक है, तो मेन स्केल की जो हमारी रीडिंग है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है स्केल, जो मेन स्केल है हमारा। तो यहाँ पे जो आप रीडिंग पढ़ेंगे वो सेंटीमीटर में पढ़ेंगे, और इसमें टोटल 20 डिवीजन है। तो मतलब एक स्मॉल डिवीजन की वैल्यू हमारी 0.05 है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये क्या है 2, ये होगा 2.05, ये होगा 2.1, 2.15, 2.2, 2.0, 2.25 है ना। तो 0.05 का डिवीजन चल रहा है एक। ठीक है, अब ऊपर वाले स्केल की बात करते हैं। ऊपर वाले स्केल में क्या करेंगे, ऊपर वाले स्केल में हम क्या करते हैं, इसकी लीस्ट काउंट देख लीजिए। लीस्ट काउंट, तो जब हम इसकी लीस्ट काउंट निकालते हैं वो 0.001 सेंटीमीटर आती है। तो न्यूटन रिंग में जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर है, यानी वर्नियर स्केल से जो हम रीडिंग पढ़ते हैं वो 0.001 सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो एक बार पढ़ के देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट में आए, फर्स्ट रिंग ले रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो मेन स्केल देखते हैं, तो मेन स्केल में ये हमारा जो वैल्यू है, एरो की एरो दिख रहा है इसमें आपको, जो मैं एरो जिस पे मैंने है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ये एरो है ये 2.5 है, ये 2.4 है। तो मेन स्केल में जो जीरो है वो 2.4 पर आ रहा है। मेन स्केल के जो ये वर्नियर स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल के 2.4 पर आ रहा है। थोड़ा सा आगे या पीछे वो हम बात नहीं कर रहे, फिलहाल 2.4 पे आ रहा है। तो मेन स्केल की रीडिंग हम 2.4 लिखेंगे। अगर ये एग्जैक्टली जीरो के सामने है, जो कि मुझे तो नहीं दिख रहा, मुझे थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट दिख रहा है, आप देखिए हो सकता है एग्जैक्ट हो, सेम ही है, चलिए इसको सेम मान लेते हैं। तो वर्नियर स्केल पे हम कोई रीडिंग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जीरो एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल से। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी जीरो, जीरो इंटू जो लीस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का, जो कि है 0.001। ठीक है, तो जीरो को मल्टीप्लाई किसी से भी कर लो, जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड का रीडिंग आ गया फर्स्ट रिंग का। अब हम सेकेंड रिंग पे गए, तो इसको शिफ्ट किया हमने, तो ये सेकेंड रिंग पे मैंने क्रॉस वायर शिफ्ट किया। अब फिर हमें रीडिंग पढ़ना है, तो जीरो जिसको क्रॉस कर दे, तो यहाँ पे 2.4 था, बल्कि 2.35 से इधर आ रहा है ना, जो इधर की रीडिंग होती है उसको लेते हैं, तो 2.35 से इधर है। तो मेन स्केल की रीडिंग 2.35 हो गई, बट ये एग्जैक्टली जीरो जो है 2.35 पे नहीं है, बल्कि बीच में है। तो तब हम क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है उसको काउंट करते हैं। तो आप अब वन ईयर स्केल को देखेंगे कि वन ईयर स्केल की जो यहाँ पे लाइंस हैं, कौन सी लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है मेन स्केल से। तो देखना स्टार्ट करिए, फिर देखते हैं। देखिए जीरो नहीं कर रहा, वन नहीं कर रहा, टू नहीं कर रहा, यहाँ पे आगे चलते जाइए। मुझे तो ये कॉन्साइड करता हुआ दिख रहा है, नहीं ये भी थोड़ा सा ऐसे। तो मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आया, मेन स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है नहीं समझ में आया। कि यहाँ पे जो एरो की है क्या वो आप देख पा रहे हैं, जिस एरो की मैं बात कर रही हूँ, या क्रॉस वायर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्योंकि वो तो आप ही बता पाओगे कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मुझे तो यहाँ पे सब दिख रहा है ना, क्रॉस वायर भी दिख रहा है, लैब भी दिख रही है, और जो है सेटअप भी दिख रहा है, बट आपको क्या दिख रहा है ये आप ही बताओगे। यहाँ लाइट ऑन कर दिया था, इसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से कि सेंटर में क्रॉस वायर है। अब
क्रॉस वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ये बताइए ना। ये दिख रहा है मैम। आप क्या कर रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप पोजीशन लिखी है, इस माइक्रोस्कोप पोजीशन पे क्लिक करेंगे और फिर अपना एरो की, जो आपका लैपटॉप का जो भी सिस्टम का एरो की है उसको शिफ्ट करेंगे, तो ये जब आप उसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्रॉस वायर भी शिफ्ट हो रहा है, और जब ये क्रॉस वायर शिफ्ट हो रहा है तो आप इसको जहां पे चाहें वहां पे फिक्स कर सकते हैं। जैसे मैं क्या कर रही हूँ रिंग्स में, देखिए अभी हम सेंटर पे थे और मैं रिंग्स के लेफ्ट में जा रही हूँ, या कह लीजिए मैं अपने अपने अकॉर्डिंग लेफ्ट में जा रही हूँ, है ना। रिंग्स का अगर रिंग्स की तरफ मूव करके देखेंगे तो राइट भी हो सकता है उसका, अपने अकॉर्डिंग हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्रॉस वायर को लेफ्ट के फर्स्ट रिंग में शिफ्ट कर दिया। अब हमारे पास स्केल है दो जो ऊपर नीचे है, ठीक है। अब मैं इस स्केल को फिलहाल एक बार पीपीटी में बना के दिखाती हूँ। ठीक है, देखो ऐसे रिंग्स दिख रही है। Yes, ma'am. फिर यहाँ पे स्केल है। सीधा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। देखिए पूछेंगे तो मुझे पता लगेगा कि कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए प्लीज बताते रहिए, क्योंकि वो आपके एंड से ही पता लगेगा, मेरे एंड से तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो क्या करना है, ये स्केल दिख रहा है आपको इस तरीके का एक, इसके ऊपर यहाँ पर भी एक स्केल है जो कि फिक्स है, ये मूव नहीं कर रहा, ये तो फिक्स है। यहाँ पे जीरो ऐसे लाइन्स है, 1 2 3 जो भी है, फिर यहाँ पर भी है, यहाँ पर है 2 3 4 और 5 जो हमें दिख रहा है स्केल पे, ठीक है। इसको भी 5 भी हटा देती हूँ फिलहाल, क्योंकि ये बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। फिर आपको रिंग्स दिख रही हैं, अब हमने क्या किया, क्रॉस वायर लिया, अब इस क्रॉस वायर को हमने लेफ्ट के फर्स्ट रिंग पे शिफ्ट किया, तो आप मेन स्केल पे ये जीरो जिसके भी सामने होगा, ठीक, जिस जगह भी है, जैसे अभी अगर मैं इसको मानू ये 2 है, ये 2.5 है और यहाँ पे 3 है, बीच में यहाँ पे लाइन्स है, टोटल 20 लाइन्स हैं 2 और 3 के बीच में, तो जीरो एग्जैक्टली जिसके सामने होगा, जीरो जिसके सामने है एग्जैक्टली, वो हमारी मेन स्केल की रीडिंग है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2.5 लिया है, अगर ये एग्जैक्टली कॉन्साइड नहीं करता, ये कुछ इस तरीके से होता, ये तो मेरा मेन स्केल है, ये मेरा वर्नियर स्केल है, यहाँ पे जीरो है लेकिन यहाँ पर 2.5 है, यहाँ 3 है और इधर है जीरो, ठीक है। जीरो एग्जैक्टली 2.5 के बीच में नहीं है, 2.5 पे नहीं है, बल्कि 2.5 से थोड़ा राइट में है या पीछे है, लेफ्ट में है, वो डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में है, उस अकॉर्डिंग हम वैल्यूज ले लेंगे। तो क्या है, ये एग्जैक्टली उस पे नहीं है, तो उस केस में हमें वर्नियर की जरूरत होती है, जब ये एग्जैक्टली मेन स्केल पे कॉन्साइड नहीं कर रहा होता, ये जीरो जो है यहाँ पे कहीं बीच में होता है, तो उस केस में क्या करते हैं, जिस लाइन को ये क्रॉस कर चुका, जैसे 2.5 को ये क्रॉस कर रखा है इसने, क्योंकि रीडिंग तो 2.5 होती है, फिर हम वनियर स्केल की जो लाइंस हैं, वनियर स्केल पे जो लाइंस हैं, इनको देखते हैं कि ये कौन सी यहाँ की लाइन से कॉन्साइड कर रही है। ऐसा आप उसमें भी करते थे, जब आप वनियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज करते थे और जब वनियर की रीडिंग निकालते थे, तो वहां पर भी हम यही करते थे कि एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है, उसको हम वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करते थे कि फर्स्ट डिवीजन कर रहा है, जीरो वाला कर रहा है तो जीरो ही हो गया, सेकंड वाला कर रहा है या फर्स्ट वाला कर रहा है तो 1 हो गया, 2 वाला कर रहा है तो 2 हो गया। तो अब जो मैं पिपिट जो आपको वर्चुअल लैब दिखाऊंगी, वहां ध्यान से देखिए कि कौन सी लाइन कॉन्साइड कर रही है वर्चुअल लैब, क्योंकि वो चीज आपको वर्चुअल लैब में दिखेगी कि कौन सी लाइन कॉन्साइड कर रही है, ठीक है। तो आपके सामने है, ये मैंने फर्स्ट रिंग पे फिक्स कर रखा है, मेन स्केल में आप खुद देख के बताइए कि किसको क्रॉस कर चुका, इधर कहीं 2 था,
ये वाला 2.5 है, जो बड़ी लाइन होती है दो टू और जैसे थ्री और फोर के बीच में भी आपको दिख रहा होगा, थ्री और फोर के बीच में जो बड़ी लाइन है वो जस्ट बीच का है, यानी 3.5 है ये। तो 3.5 से इधर वाला डिवीजन तो 3.4 है, और ये वाला जो लाइन है ये 3.45 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप खुद सोच के बताइए कि जो नीचे वाला लाइन है, ये जो लाइन है जिस पे मेरा एरो है, ये कौन सी रीडिंग होगा? ये मेन स्केल की रीडिंग है, क्योंकि नीचे वाला जो है मेरा मेन स्केल है। तो ये कितना रीडिंग पढ़ोगे इसको? 2.5 तो ये है ना? 2.4 पढ़ेंगे, 2.4 में 2.4 पढ़ेंगे, तो मेन स्केल का रीडिंग हो गया हमारा 2.4। लेकिन क्योंकि ये जीरो एग्जैक्टली 2.4 पे था, तो इस केस में हमें वन ईयर को पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो वन ईयर का जो रीडिंग है वो जीरो हो गया, ठीक है। अब वन ईयर का रीडिंग कब पढ़ेंगे? तो इसलिए मैंने नेक्स्ट रिंग किया था, इसलिए मैं दो रीडिंग लेके दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट रिंग पे हमें वन ईयर की रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कल भी मैंने ये किया था एक्सपेरिमेंट। तो इसलिए अब मैंने क्या किया, इस एरो की से मैं जो है सेकेंड रिंग पर आई। अब सेकेंड रिंग से आपको वन ईयर की रीडिंग और पढ़नी आएगी। अब मुझे बताइए कि ये जीरो किस लाइन को क्रॉस, देखिए 2.4 तो इधर था, ये 2.4 के लेफ्ट में आ गया, तो अभी 2.4 से कम हो गई वैल्यू, क्योंकि इधर जब हम जा रहे हैं तो कम हो रही है वैल्यू, इधर जाते तो वैल्यू बढ़ रही थी। तो ये 2.35 से क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया? 2.4 से तो कम है ना, इसको आ रही है वो रिस्पॉन्स करिए जो जिसको जो बोल सकता है कि यहाँ पर ये 2.4 पढ़ेंगे कि 2.35 पढ़ेंगे? 2.35 पड़ेंगे, कम हो रही है मैम। 3.5 हाँ कम हो रही है ना, तो 2 ठीक है। तो जो हमारा सेकंड रिंग हो गया उसका लेफ्ट साइड का जो रीडिंग हो गया वो 2.35 हो गया, इससे कम हो गया ये, है ना 4 से। अब लेकिन ये जीरो देखो क्या 2.35 पे एग्जैक्टली है? नो मैम नहीं है ना, तो अब हमें अब नहीं है, तो इसका मतलब हमें वन ईयर स्केल की जरूरत पड़ेगी। अगर ये एग्जैक्टली 2.35 पे होता तो हमें वन ईयर की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये थोड़ा सा इधर है तो अब हमें वन ईयर की जरूरत पड़ेगी। तो वन ईयर में अब यहाँ पे इतनी सारी लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं? 10, 20, 30, 40, 50 लाइंस हैं। इन 50 लाइन में से कौन सी एग्जैक्टली नीचे वाली लाइन से कॉन्साइड कर रही है उसको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ जीरो से देखना स्टार्ट करेंगे, जीरो वाला तो कर ही नहीं रहा था, फर्स्ट वाला भी नहीं कर रहा, सेकंड भी नहीं कर रहा, थर्ड भी नहीं। तो आप इसमें देख के मुझे बताइए कौन सा लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है नीचे वाले से, कौन सा नंबर? 2.1 देखिए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, कौन सा दिख रहा है? 2.4 वन भी नहीं कर रहा, देखिए वन भी नहीं कर रहा है, 2.1 भी नहीं कर रहा है, 2.4 तो 2.4 का मतलब है 24, ये 2.4 नहीं है, 0.24 है, और 10 काउंट करेंगे ना, 10 ये 20 और ये 24, तो 24 डिवीजन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है, समझ रहे हो? देखो ऊपर से हमने करा, ये क्या था, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, फोर्थ था, ऐसे करते चलेंगे तो यहाँ पर हम 24 पे आए। ये 24 है जो एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है नीचे वाले से, ठीक है। तो अब इस 24 का जो हमारा रीडिंग है ये वन ईयर का रीडिंग हो गया, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट अभी टेबल में करके दिखाऊंगी। तो हमारी जो सेकेंड रीडिंग हो गई वो हो गई 2.35 मेन स्केल, 24 इंटू लीस्ट काउंट, अभी लीस्ट काउंट थी 0.001 वन ईयर स्केल में, ठीक है। ये हमारी दो रीडिंग मैंने लेके दिखा दी। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में चलेंगे। आपको क्या करना है, ऐसे ही टोटल 10 रीडिंग्स लेना है, लेफ्ट का ऐसे ही राइट का। अब हम राइट में आ जाते हैं, राइट में फर्स्ट रिंग की बात करते हैं। अब फिर से मेन स्केल की रीडिंग कितना पढ़ेंगे बताइए मुझे, आप ही बताइए। नीचे वाले स्केल में जीरो कहाँ पे आ गया है? जीरो कहाँ पर है, ये देखिए ना, ये तो थ्री था, इधर टू था, 2.5 मेन स्केल का रीडिंग हो गया 2.5। और ध्यान से देखिए क्या ये जीरो एग्जैक्टली 2.5 पे है? नो मैम नहीं है। तो मतलब हमें नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वन ईयर को देखना पड़ेगा। तो वन ईयर स्केल देखिए कि कौन सी लाइन एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रही है,
पॉइंट वन नहीं, उससे पहले यही कर रही है आपकी एट है, ये एट वाली लाइन देखिए इसको मैम, ये समझ में नहीं आया ये यहाँ पे कहाँ पे 2.5 से क्या कर रहा है। ये तो रहा, ये वाला लाइन किसका है 2.5 का, हाँ यस मैम, और ये देखिए 2.5 पे नहीं है, जीरो थोड़ा सा इधर है लेफ्ट में राइट में, ध्यान से देखो स्केल स्क्रीन को देखिए कि ये 2.5 पे एग्जैक्टली नहीं है, थोड़ा सा राइट में है, 2.85 बेटा ये तो आपको आपको लैपटॉप पे देखिए, क्योंकि अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो हो सकता है ना दिख रहा हो क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है। मैं मोबाइल से ही देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रही इतना। हाँ तो मोबाइल से नहीं लैपटॉप से करिएगा, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो लैपटॉप पे ये प्रैक्टिकल खुद से करके देखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी हो जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे 2.5 से थोड़ा सा आगे है जीरो, तो इसलिए जो मेन स्केल का रीडिंग हो गया वो 2.5 हो गया। तो अब हमें वन ईयर की जरूरत पड़ेगी, और वन ईयर के लिए फिर आप वही है कि नंबर ऑफ डिविजन काउंट करेंगे, मेरे को तो एट्थ दिखाई दे रहा है बट आप कह रहे हैं कि वन दिख रहा है, तो एट वाला नहीं है क्या, एक बार सब लोग देख के बताइए कि एट वाला नहीं है, हो सकता है मुझे गलत दिख रहा हो। 2.85 मुझे एट वाली लाइन भी है ना, एट है ना, करेंगे इसको एट ले लेंगे, 8 × 0.001 वन ईयर की रीडिंग, ये फर्स्ट हो गया। ऐसे ही अब सेकंड रिंग का लेंगे, फिर इसको मैं टेबल में भी और फिल करके दिखा दूंगी तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम सेकंड रिंग पे आ गए, तो यहाँ पर भी मेन स्केल की रीडिंग तो 2.5 ही है, क्योंकि 2.55 पर तो नहीं पहुंचा ये, तो 2.5 ही है, तो मेन स्केल की रीडिंग 2.5 है। अब फिर वन ईयर की देखेंगे कि कौन सा डिवीजन एग्जैक्टली कौन सा ऐड कर रहा है, मुझे तो 30 दिखाई दे रहा है, आप देखिए कि 30 है कि उससे पहले भी कुछ कर रहा है, मुझे 0.3 एग्जैक्टली कौन सा ऐड करके दिख रहा है 4 के साथ, है ना, ये वाली लाइन मुझे एग्जैक्टली दिख रही है, तो यानी ये 30 हो गया, तो 30 × 0.001। अब मैं इसको एक बार आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये इस तरीके की ऑब्जर्वेशन टेबल है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये सब सेंटीमीटर में है, तो मेन स्केल की रीडिंग फर्स्ट रिंग की थी 2.5, ये था 0 तो ये तो 0 ही रहेगा, तो एग्जैक्ट यहाँ पे रीडिंग हो गई 2.4। सेकेंड रिंग हमने पढ़ा था 2.35, ये हमने पढ़ा था 24 को आप 0.001 इसका लीस्ट काउंटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.024, फिर जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.394, ठीक है। जब आप 24 को 0.001 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.024, आप मल्टीप्लाई करके ही लिख लेना आंसर, मैं तो इसलिए करके दिखा रही हूँ कि कंफ्यूजन ना हो कि ऐसे क्यों कर दिया। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.394। अब ऐसे ही राइट साइड की रीडिंग है, ये हमारा 2.5 था मेन स्केल, ये भी 2.5 था, वन ईयर में ये हमने 8 पढ़ा था, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, ये हमने 30 पढ़ा था, इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, तो यहाँ पे रीडिंग हो जाएगी हमारी 2.508 और ये रीडिंग हो जाएगी हमारी 2.530, ठीक है। मैंने फिलहाल दो रीडिंग लेके दिखाई है, ऐसे ही आपको टोटल 10 रीडिंग्स लेनी है। फिर ए माइनस बी है या ए डिफरेंस बी है, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से स्मॉल वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमारा स्मॉल है ए वाला, बी वाला लार्ज है, तो बी में से ए स्मॉल करके ये हमारा डायमीटर आ जाएगा, डायमीटर आ जाएगा, तो आप डायमीटर का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे भाई, जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो डी स्क्वायर आ जाएगा, ये सारी वैल्यू स्क्वायर वाली आ जाएंगी आपकी, जब ये आ जाएंगी तो फिर आपका यहाँ से काम शुरू होगा, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए ऐसे मानिए कि सपोज
मेरा डी एन डी वन है, फर्स्ट रिंग की डायमीटर है, जो भी वैल्यू है स्क्वायर ले रहे हैं। फिर पी मैंने 5 ले लिया, तो डी एन प्लस पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एन 1 था पी 5 था, मतलब डी 6 स्क्वायर। मैंने पी एक कोई भी इंटीजर है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। मैंने 5 लिया, आप 3 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, इवन 1 भी ले सकते हो। 1 लोगे तो 2 लगातार रिंग्स के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मैंने सपोज डी 5 लिया, सिर्फ इसका मतलब यह है कि हम हर एक वैल्यू को एक बार इंक्लूड करना चाहते हैं इस डिफरेंस में, ठीक है। तो यानी डी 6 में से डी 1 माइनस करना है इस केस में जो मैंने लिया, तो डी 6 में से डी 1 माइनस करके जो वैल्यू आई वो यहाँ नोट कर देनी है। नेक्स्ट के लिए डी 2 के लिए क्या हो जाएगा, डी 7 में से माइनस करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू आ गई। डी 3 के लिए डी 8 में से माइनस करना पड़ेगा, नेक्स्ट वैल्यू आ गई। ऐसे आपके पास 5 रिंग 5 वैल्यूज के करीब आ जाएंगे अगर पी 5 ले रहे हैं। उन 5 वैल्यूज का मीन ले लीजिएगा, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी आपकी मीन, जो जहां पे मीन लिखा है, ठीक है। इस मीन की वैल्यू ले लीजिएगा, पी हम 5 ले चुके हैं, तो 5 लिखना है। फॉर्मूला आपका लैम्डा इक्वल टू डी एन प्लस पी स्क्वेयर माइनस डी एन स्क्वेयर अपॉन 4 पी आर है। पी हमने 5 लिया है, आर मैंने 50 रखा था। आपने जब देखा होगा, जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने बोला भी था कि आप यहाँ पे लेंस की रेडियस चेंज कर सकते हैं, मैं फिलहाल 50 ले रही हूँ। आपने जो भी रेडियस ली होगी, अगर आप 50 पे कर रहे हैं तो 50 लेंगे, 100 ले रहे हैं तो 100 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस रख देंगे, ये हम मीन कैलकुलेट कर चुके, तो लैम्डा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा आपका, ठीक है। उसको एंगस्ट्रॉम में लिख लीजिएगा बस। तो कल क्या करना है, कल आपको ये एक्सपेरिमेंट साथ साथ करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी रही हूँ, कल जो क्लास थी उन्होंने ये रीडिंग लेके मुझे दिखाई भी थी, इसके आगे की भी रीडिंग थी जो मैंने अभी यहाँ नहीं लिखी, तो उनकी ये रीडिंग्स थी, लेकिन इसमें गलती थी जो मैंने उनको बताया कि आपकी ये गलती हो रही है, तो उसको दोबारा करेक्ट करो। तो कल आप साथ साथ करिएगा, फिर आप मुझे रीडिंग भेजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी भी कि कहाँ आप लेने में गलती कर रहे हो या क्या ऑब्जर्व करने में आप गलती कर रहे हो।